नमस्कार, मैं हूं अनुपमा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पल पल। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने जींद से शुरू किया प्रदेश व्यापी पौधागिरी अभियान, 6 से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को किया शामिल। पांच और छह स्टार हासिल करने वाली राज्य की 7 पंचायत सम्मानित। मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा चीनी मिलों की अतिरिक्त जमीन में उद्योग लगाकर होगा सदुपयोग। उद्घाटन के इंतजार में रानिया तहसील कार्यालय का नया भवन, पिछले 30 सालों से चल रही है किराए के भवन में तहसील। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को हरा भरा बनाने तथा प्रदेश के लोगों को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाकर अच्छा माहौल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किए गए पौधागिरी अभियान की शुरुआत आज जींद जिला के नरवाना उपमंडल से की। इस अभियान के तहत पूरे हरियाणा के कक्षा 6 से 12वीं तक के करीबन 20 लाख स्कूली बच्चे लेंगे हिस्सा। इसी यात्रा के अंतर्गत जो कार्यक्रम से दो ये कार्यक्रम यहाँ नरवाना में ही हुए हैं, एक तो जिसके अंदर पौधारोपण का जो कार्यक्रम जो हमने घोषणा की थी कि 3 महीने जुलाई अगस्त और सितंबर स्कूल के जो विद्यार्थी हैं 6 से लेकर 12 तक लगभग 20-22 लाख के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अपने नाम से, अपने परिवार के किसी पूर्वज के नाम से, किसी महापुरुष के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उस पौधे की सुरक्षा करना भी इन बच्चों की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो इस प्रकार का ये पौधारोपण का अभियान है, ये सफलता से चले आज प्रतीक रूप में कार्यक्रम किया है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के तहत 5 और 6 स्टार हासिल करने वाली राज्य की 7 पंचायतों को सम्मानित किया है, जिसमें पलवल के भंडोली और घरोट ग्राम पंचायत, जिला चरखी दादरी के बाढ़ा ग्राम पंचायत और जिला रोहतक के कहनौर ग्राम पंचायत ने 5 स्टार हासिल किए हैं। इसके अलावा जिला पलवल के खंड हतिन के जैनपुर और जनाचोली के नंगाला भीकू ग्राम पंचायत ने 6 स्टार हासिल किए हैं। ये योजना 7 स्टार इंद्रधनुष योजना हरियाणा सरकार में एक नई पहल है और पूरे देश की ग्राम पंचायतों के लिए अनुकरणीय है। पूरे देश में 2.5 लाख पंचायतें होंगी। अगर ये 2.5 लाख पंचायतें इस तरह के काम को हाथ में लेकर के सबका साथ सबका विकास इस उद्देश्य को धारण करके अगर आगे बढ़ती हैं, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत तो होगा ही, लेकिन संपूर्ण भारत स्मार्ट हो जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि आगामी 23 जुलाई को राज्य के सभी चीनी मिलों के प्रबंधक निदेशकों की बैठक होगी, जिसमें उनसे अतिरिक्त जमीन के उपयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। सभी 10 शुगर मिल और कोऑपरेटिव जहां शुगर मिल में जमीन हमारे पास सरप्लस है, उनको मैंने कहा प्रपोजल बनाए जिससे हमारी से शुगर मिल को घाटा है वो निकल सके, उनका सौर ऊर्जा अपना गोदाम वेयर हाउस ऐसे बोर्डों को कहा और 23 तारीख को मैंने शुगर मिल के सभी एमडीओ की शाहबाद के अंदर मीटिंग भी बुलाई। तहसील रानिया के नए भवन का निर्माण पूरा होने के बाद भी उद्घाटन किए जाने का इंतजार कर रहा है। रानिया तहसील का पुराना भवन जो पिछले 30 सालों से किराए के भवन में चल रहा था, जहां पर लोगों को हर प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ रही थी, वहां पर जगह की कमी के कारण एक ही कमरे के अंदर चल रहा था पूरा तहसील कार्यालय। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सन 2016 में रानिया तहसील के अलग से भवन बनाने के लिए 285 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्वीकृति के बाद प्रमोद कुमार एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टर ने 15 माह के दौरान भवन को तैयार कर दिया। भवन के तैयार होने के बाद इसका उद्घाटन नए होने के कारण क्षेत्रवासियों को इंतजार है कि कब भवन का उद्घाटन हो।
तहसील रानिया के कार्यालय का नया भवन बिल्कुल बनकर तैयार है। इस पर 285 लाख रुपए की लागत आई है, जो कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 2016 में इसकी घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार इसका निर्माण कार्य जो है 15 महीने के अंदर बन करके तैयार हो गया है। अब इस भवन के उद्घाटन की इंतज़ार कर रहे हैं, इसका मुख्यमंत्री कब उद्घाटन करते हैं, इसके बाद इस भवन में जो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे पूर्व यह तहसील कार्यालय जो है BDO की किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, अब इसके इंतज़ार की बात दो रहा है। यह भवन कब इसका उद्घाटन होता है और कहाँ कब इसके ऊपर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं? नाम सुखविंदर सिंह है, तो मेरा काम घूमन प्रॉपर्टी डीलर रानिया तो मैं बिलोंग करदा। तो सानू इतने फर्द वगैरह चे तो होर जिस सिस्टमैटिकली जो भी तक प्रशासन सिस्टम सही नहीं है, असी कोई भी फर्द वगैरह लैनी है या कोई इंतकाल वगैरह कटाना है तो सानू बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। असी एक प्रशासन तो ही मांग करते हैं भी इतों सिस्टम सारा चेंज करके नवी तहसील के जाया जाए, ताकि जो भी इतों का जो भी प्रशासन का सिस्टम है सारी सानू सुविधाएं दित्तियां जाए। इन्नी धन्यवाद। ऐसे ओम प्रकाश की रिपोर्ट, देखते ही रहिए पल पल TV और सब्सक्राइब कीजिए।